एशिया कप में श्रीलंका की इंडिया के खिलाफ फतह के बाद अब काफी दिलचस्प सूरत-ए-हाल हो गई है, और श्रीलंका गो के दोनों मैचेस अपने जीत चुका है सुपर फोर स्टेज में, और इंडिया अपने दोनों मैचेस हार चुका है सुपर फोर स्टेज में। लेकिन ये अब भी कंफर्म नहीं है कि श्रीलंका की टीम फाइनल खेलेगी या इंडिया की टीम टूर्नामेंट से आउट हो गई। काफी इफ एंड बट अब भी इस टूर्नामेंट में बाकी है और कुछ भी हो सकता है। और आज जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच, वो टूर्नामेंट में आगे की प्रोग्रेस का काफी हद तक तयन कर देगा कि आज के रिजल्ट के बाद मजीद आगे क्या होगा। आया इफ एंड बट बरकरार रहेंगे या फिर क्लियरिटी आ जाएगी, वो आज के मैच के बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, वो कैसे होगी उसको आगे बताते हैं। लेकिन इस वक्त सिर्फ एक ही चीज कंफर्म हुई है श्रीलंका और इंडिया के मैच के रिजल्ट के बाद, वो ये कि अब संडे को क्रिकेट फैंस को पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी दो टीमें खेलेंगी लेकिन वो दो टीमें पाकिस्तान और इंडिया की टीमें नहीं हो सकेगी एशिया कप के फाइनल में। अब रही इंडिया की सर्वाइवल की बात, इस टूर्नामेंट में इंडिया कैसे अब भी ख्वाब देख सकता है एशिया कप का फाइनल खेलने का, वो ऐसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान। इंडियन फैंस चाहेंगे कि अफगानिस्तान वो मैच जीत जाए और उसके बाद कल जब इंडियन टीम अफगानिस्तान का सामना करे तो इंडियन टीम एक भारी मार्जिन से वो मैच जीते और फिर पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में श्रीलंका की टीम कामयाब हो जाए। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कहते हैं विशेष फॉर होर्सेस, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इंडिया की उम्मीदें काफी जुड़ जाएगी फाइनल खेलने के लिए। लेकिन उसके लिए भी नेट रन रेट इसमें काउंट होगा, कैलकुलेट होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से हारे, फिर इंडिया की टीम अफगानिस्तान को शिकस्त दे और फिर श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को शिकस्त दे, इस सिनेरियो में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, इन तीनों टीमों की एक एक विक्ट्री और दो दो पॉइंट्स हो जाएंगे, और ऐसे में नेट रन रेट बेहतर होगा जिसका वो टीम श्रीलंका के साथ फाइनल खेलेगी। ये तो उस सिचुएशन में श्रीलंका के साथ फाइनल खेलेगी जब आज अफगानिस्तान का रिजल्ट ऐसा आए कि वो इंडिया को फेवर करे और फिर इंडिया भी कामयाबी हासिल करे। लेकिन एज वी स्पीक एट दिस स्टेज श्रीलंका की टीम भी आप यकीनी नहीं कह सकते कि वो एशिया कप का फाइनल खेलेगी। वो ऐसे है कि अगर श्रीलंका की टीम के अभी तो बहरहाल दो मैचेस में चार पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट भी उसका बहरहाल अच्छा है, लेकिन अगर अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान को भी हराती है और फिर इंडिया को भी हराती है और उसके बाद पाकिस्तान की टीम अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को हरा देती है, तो फिर इस सूरत हाल में तीन टीमों के चार चार पॉइंट्स हो जाएंगे दो दो विकेट के साथ। इंडिया तो तमाम मैच हार के बाहर हो जाएगा, लेकिन फिर पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, इसमें से जिन दो टीमों का बेहतर रन रेट होगा वो टीमें दो फाइनल खेलेगी 11 सितंबर को। तो ये अब देखना होगा कि किस तरह सूरत हाल आगे बढ़ती है, और सारी सूरत हाल का दारोमदार आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में। गोके अगर आज पाकिस्तान जीत गया जैसे सबको तवक्को है तो फिर सारे इफ एंड बट, सारे ख्वाब, सारी ख्वाहिशा सब खत्म हो जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल खेलेंगे। लेकिन अगर नहीं होता ऐसा तो फिर इफ एंड बट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस वक्त सिर्फ एक ही चीज तय है कि पाकिस्तान और इंडिया, ये दो टीमें फाइनल नहीं खेल रही।